हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर थ्री रामा टू द रेस्क्यू के एनसीआर टी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रीवियस वीडियो में रीडिंग के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं अभी एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे लेटस डिस्कस वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद यर मीनिंग इन कॉलम बी कॉलम ए में आपको कुछ वर्ड्स गिवन है और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स हैं तो वर्ड्स को उनके मीनिंग से आपको मैच करना है आप पेयर्स में काम करेंगे दो दो बच्चे एक साथ अपने आंसर्स को चेक करेंगे बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स ओके वर्ड्स हैं वंडर वंडर मतलब हैरान होना यार्ड बोलते हैं आंगन को जो खुली जगह होती है उसे चार्टर मतलब बहुत ज़्यादा बोलना फालतू की बात करना इंस्टेट मतलब इसकी बजाय इसकी जगह पर क्लोजली मतलब बहुत ध्यान से पर मतलब शायद अब वंडर मतलब होगा वंडर मीन्स अ हैरान होना अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज देन यार्ड यार्ड एंड ओपन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग बिल्डिंग के बाहर जो खाली जगह होती है चार्टर मतलब टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे टाइम तक बात करना अबाउट अन थिंग्स जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में इंस्टेंट मतलब इसकी बजाय इन प्लेस ऑफ समथिंग और समवन क्लोजली मतलब केयरफुली पर मतलब मे बी शायद नेक्स्ट नाउ फिल इन द बॉक्सेस विद द सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी स्टोरी हमने रीड की अब इन बॉक्सेस में आपको सही वर्ड्स फिल करने हैं रामा टू द रेस्क्यू में मेन कैरेक्टर्स कौन हैं तो मेन कैरेक्टर्स हैं मैन एंड हिज वाइफ आदमी और उसकी वाइफ देन सेटिंग क्या है कि सेटिंग में ये पूरा प्ले होगा अगर आपको करना है तो यहां पर एक विलेज है रात का टाइम है और मैन uh, और उसकी वाइफ यानी कि वो जो कपल है उसके घर का ये सीन है सो so, सेटिंग है द विलेज एट नाइट एट नाइट इनसाइड द कपल्स हाउस हाउस देन अदर कैरेक्टर्स कौन है मेन कैरेक्टर्स मैन और उसकी वाइफ है और जो साइड कैरेक्टर्स हैं अदर कैरेक्टर्स वो है थीफ और रामा एंड द कोतवाल जिसका नाम है रामा देन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक चोर है जो चोरी करने की कोशिश कर रहा है जबकि जो हस्बैंड और वाइफ है कपल है वो अपने घर के अंदर है तो प्रॉब्लम है दैट अ थीफ इज ट्राइंग टू रॉब द हाउस ट्राइंग टू रॉब द हाउस वाइल द कपल इज इन साइड द कपल इज इन साइड या फिर आप सिंपल इतना भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम है दैट द थीफ इज ट्राइंग टू रॉब द हाउस थीफ घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन क्या निकला इसका सोल्यूशन ये है कि कपल ने अपनी क्लेबरनेस से बहुत बुद्धिमानी वहां पर दिखाई और वो उन्होंने जोर से रामा नाम चिल्लाया ये प्रिटेंड करते हुए ये दिखाते हुए कि वो अपने फ्यूचर चाइल्ड का नाम ले रहे हैं एक कहानी बनाई इसी तरीके से जबकि एक्चुअली में वो गांव के कोतवाल रामा को बुला रहे थे तो सोल्यूशन ये है दैट द कपल द कपल क्लेवरली चालाकी से क्लेवरली कॉल्ड कॉल्स आउट आउट द नेम वो बुलाते हैं नाम रामा रामा प्रटेंडिंग ये प्रटेंड करते हुए प्रटेंडिंग टू कॉल देयर फ्यूचर चाइल्डर चाइल्ड बट एक्चुअली कॉलिंग द कोतवाल द विलेज को, कोतवाल चाइल्ड बट एक्चुअली कॉलिंग द विलेज कोतवाल इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि फाइनल पूरा सोल्यूशन हमें बताना है कोतवाल ओके okay? फिर से देख लेते हैं मेन कैरेक्टर्स कौन है मैन और उसकी वाइफ ज़्यादा डायलॉग उन्हीं के हैं सेटिंग क्या है कि सेटिंग में ये पूरा प्ले परफॉर्म होगा विलेज है एट नाइट इनसाइड द कपल्स हाउस उस कपल के घर पर दूसरे कैरेक्टर्स कौन है थीफ है और कोतवाल रामा है प्रॉब्लम है दैट अ थीफ इज ट्राइंग टू रॉब द हाउस एक थीफ है जो घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है वाइल द कपल इज इनसाइड जबकि जो कपल है वो घर के अंदर ही है सोल्यूशन क्या हो रहा दैट द कपल क्लेवरली कॉल्स आउट द नेम रामा जो कपल है वो चालाकी से रामा नाम पुकारते हैं बुलाते हैं प्रिटेंडिंग टू कॉल देयर फ्यूचर चाइल्ड ये प्रिटेंड करते हुए कि वो अपने फ्यूचर चाइल्ड का नाम ले रहे हैं बट एक्चुअली कॉलिंग द विलेज कोतवाल लेकिन एक्चुअली में वो गांव के कोतवाल को बुला रहे थे ओके okay? नेक्स्ट नाउ लेट एस थिंक एंड रिफ्लेक्ट रीड द फॉलोइंग लाइन्स कुछ लाइन्स गिवन है रीड करिए क्वेश्चनो फिर जो क्वेश्चन हैं उन्हें आंसर करिए तो मैन कहता है व्हाट इस द मैटर क्या बात है वॉट आर यू लुकिंग एट तुम कहाँ देख रही हो वाइफ कहती है लिसन ध्यान से सुनो शांत रहो और ध्यान से सुनो मैन कहता है सम्बर्ड इज ट्राइंग टू गेट इन कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है वाइफ कहती है आई आई थिंक ही हैज़ गॉट इन मुझे लगता है कि वो अंदर आ चुका है नॉइज हेज स्टॉप्ड क्योंकि जो आवाज आ रही थी वो आनी बंद हो गई है अंदर आने के लिए जो आवाज वो कर रहा था वाइफ उसको ध्यान से सुन रही थी अब क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई मतलब वो अंदर आ चुका है मैन से फर्स्ट लाइन मैन ने पहली लाइन क्यों कही कि वॉट द मैटर क्या बात है तुम कहाँ देख रही हो क्योंकि मैन ने नोटिस किया कि जब वो बात कर रहा था उसकी वाइफ का ध्यान कहीं और था सो द मैन सेट दिस मैन ने ऐसा कहा द मैन सेड दिस बिकॉज ही नोटिस्ड क्योंकि उसने नोटिस किया दैट हिज वाइफ इज फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स कि वो किसी और चीज़ पर फोकस कर रही है ध्यान लगा रही है वाइल ही वॉज़ टॉकिंग जबकि वो बात कर रहा है वो बात कर रहा था काम से आया था कि आज का दिन बहुत हार्ड था लेकिन वाइफ सुन नहीं रही थी उसका ध्यान कहीं और था वो कहीं और देख रही थी ना चूज द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन को चूज करना है द वाइफ सेज वाइफ कहती है लिसन शुश कराती है कि ध्यान से सुनो तो का क्या मतलब है यहाँ पर स्लीप सो जाओ हेल्प करो रेस्ट करो बी साइलेंट शांत हो जाओ डी ऑप्शन करेक्ट है हाउ कैन यू टेल द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाइफ ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उसने जो साउंड आ रही थी उसको नोटिस किया और अलर्ट हो गई एकदम से सो वी कैन से दिस हम ऐसा इसलिए वी कैन टेल दिस हम ये इसलिए कह सकते हैं कैन टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी नोटिस्ड द नॉइज क्योंकि जो नॉइज थी उसने नोटिस की एंड बिकेम अलर्ट और वो अलर्ट हो गई नेक्स्ट नाव रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बींग कॉल्ड रामा जो गाँव का कोतवाल था वो दौड़ कर गया उस घर की तरफ जहाँ से उसे उसका नाम सुनाई दे रहा था रामा कहता है ओ ओ सम थीफ हेज डग हिज वे इन टू द हाउस अच्छा यहाँ से किसी थीफ ने अपना घर में उसने देखा कि दीवार उसने तोड़ी हुई थी यहां से वो डग करके अंदर गया है खोद कर अंदर गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टू हिम टू द गांव वालों ने चोर को पकड़ा और उसको लेकर गए टू द कोतवाल कोतवाल के पास आपको इसी में से कोई वर्ड चूज करना है तो टू द जेल भी हो सकता है लेकिन लोग जेल नहीं लेकर जाएंगे वो तो पुलिस काम करेगी फाइनल तो लोग अगर चोर को पकड़ेंगे वो उसको लेकर जाएंगे कोतवाल के पास तो यहां पर आप फिल करेंगे टू द कोतवाल चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वॉट डू द वर्ड ओ ओ शोज यायर जैसे ही वो कहता है रामा जाता है और देखता है कि वहां पर जो घर में उसने दीवार तोड़ के वो अंदर गया है तो वो पहले ओ oh ओ oh बोलता है तो यहाँ पर ओ oh का क्या मतलब है सरप्राइज़ वो हैरान हो जाता है एंगर उसे गुस्सा आता है पेन दर्द होता है हैप्पीनेस खुश होता है वो वो सरप्राइज़ होता है हैरान होता है कि अच्छा यहाँ से वो अंदर गया था नेक्स्ट इज हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कोतवाल था वो अपने काम में अच्छा था गुड एट हिज जॉब मतलब उसने अपनी जॉब अच्छे से की क्योंकि जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो जल्दी से आया उसने जो चोरी थी उसको रोका और थीफ को अरेस्ट कर लिया सो वी कैन टेल वी फिर लिखेंगे कैन टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब देन आगे आप आंसर लिखेंगे बिकॉज एज ही केम क्विकली क्योंकि वो जल्दी से आया क्विकली वेन ही हर्ड हिज नेम जब उसने अपना नाम सुना हिज नेम एंड अरेस्टेड द थीफ एंड अरेस्टेड द थीफ अगर थोड़ा आंसर लेंदे लिखना है तो और इसमें आप ऐड कर सकते हैं एंड स्टॉप्ड द रॉबरी देन अरेस्टेड द थीफ ओके नेक्स्ट गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ आर नॉट एबल टू फॉल अ स्लीप एक रीजन बताओ कि क्यों मैन और उसकी वाइफ सो uh, so नहीं पा रहे थे नॉट एबल मतलब कोई काम कर ना पाना क्योंकि uh, वो बहुत चिंतित थे देवर वरीड क्योंकि उनके घर में चोर घुस गया था जो चोरी करने की कोशिश कर रहा था सो द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अ स्लीप बिकॉज आंसर नंबर सेकेंड बिकॉज दे वर वरीड क्योंकि वो चिंतित थे देवर वरीड अबाउट द थीफ इन देयर हाउस या फिर अबाउट द थीफ ट्राइंग टू स्टील देयर मनी उस चोर के बारे में जो उनके घर में पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था ट्राइंग टू uh, या फिर ट्राइंग टू रॉब देयर हाउस कुछ भी आंसर आप लिख सकते हैं सभी करेक्ट ही बिकॉज दे वर वरीड अबाउट द थीफ इन देयर हाउस चलो ये लिख देते हैं उनके घर में जो चोर था उसके बारे में वो चिंतित थे इसलिए वो सो नहीं पा रहे थे नेक्स्ट वॉट डिड द थीफ विश वुड हैपन डिड इट हैपन थीफ़ क्या विश कर रहा था क्या इच्छा कर रहा था क्या चाह रहा था कि हो जाए और क्या वो हुआ वो चाह रहा था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो जल्दी से सो जाए सो ही विश्ड आंसर नंबर थ्री नंबर थ्री ही द थीफ विश्ड द कपल वुड फॉल अस्लीप वो सो जाए या फिर पैसों के उनके पास जो मनी है उसके बारे में बात करें वो कह रहा था कि शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सो जाए फॉल अ स्लीप और टॉक अबाउट देयर मनी अबाउट देयर मनी या सो जाए या पैसों के बारे में बात करें एंड डिड इट हैपन क्या ये हुआ नो इट डिडेंट हैपन इट डिडेंट हैपन नेक्स्ट ना डिड नॉट हैपन ओके हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल जो मैन और उसकी वाइफ थी कोतवाल से उन्हें कैसे हेल्प मिली तो उन्होंने जोर से रामा चिल्लाया कोतवाल घर पर आया और उसने थीफ को अरेस्ट कर लिया सो द कपल कॉल्ड आउट आंसर नंबर फोर द स्पेस कम है एक बार सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं फिर फोर्थ का आंसर लिखेंगे सो सेकेंड क्वेश्चन था कि एक रीज़न बताना था बाय द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉलो स्लीप क्यों वो सो नहीं पा रहे थे सो द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉलो स्लीप वो सो नहीं पा रहे थे बिकॉज दे वर वरीड क्योंकि वो चिंता में थे उन्हें चिंता थी अबाउट द थीफ इन देयर हाउस किसके बारे में चिंता थी उनके घर में जो चोर था उसके बारे में देन वाई डिड वॉट डिड द थीफ विश वुड हैपन थीफ क्या चाह रहा था कि क्या हो जाए सो ही विश्ड द कपल वुड फॉल अस्लीप वो चाह रहा था या तो जो कपल है वो सो जाए और टॉक अबाउट देयर मनी या फिर उनके पैसों के बारे में बात करें कहाँ उन्होंने रखे हैं एंड डिड इट हैपन क्या ये हुआ इट डिड नॉट हैपन ये नहीं हुआ अब था कि मैन और उसकी वाइफ को कोतवाल से कैसे हेल्प मिली सो मैन एंड हिज वाइफ द कपल आंसर नंबर फोर द कपल कॉल्ड आउट रामा उन्होंने रामा कॉल आउट किया चिल्लाया एंड द कोतवाल म और कोतवाल आया एंड अरेस्टेड द थीफ और उसने थीफ को अरेस्ट कर लिया थीफ नेक्स्ट नाउ डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आर प्रॉब्लम्स क्या आप सोचते हैं कि क्लेवरनेस चालाकी से चतुराई से समझदारी से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वाई डू यू से सो आप ऐसा क्यों कहते हैं तो बिल्कुल यस yes. आंसर आप लिखेंगे यस yes. क्लेवरनेस कैन हेल्प एस सॉल्व द प्रॉब्लम और फिर हम क्यों सोचते हैं ऐसा बिकॉज इट हेल्प्स अस इट हेल्प्स अस फाइंड स्मार्ट सोल्यूशंस क्विकली अगर हम क्लेवर है चालाक है तो हम जल्दी से स्मार्ट आंसर्स स्मार्ट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं स्मार्ट सोल्यूशंस क्विकली ओके सो फोर्थ क्वेश्चन था

नाउ let लर्न learn. लर्निंग के लिए है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स आई एम फीलिंग सो स्लीपी मैं बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ मतलब सोने वाला हूँ स्लीपी फील करना नींद आ रही है मुझे इट्स अ थीफ ये एक चोर है दे आर अवेक वो जगे हुए हैं द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन above सेंटेंसेज हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच इन सभी में एक लेटर मिसिंग है अगर आप देखें आई एम इसमें होना ये वर्ड क्या है आई एम ए मिसिंग है इट्स इट इज आई मिसिंग है दे आर दे आर यहां पर ए मिसिंग है ठीक है तो क्या किया इन वर्ड्स को हटाकर यहां पर ये सिंबल लगा दिया है इस सिंबल को बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी, ओके सो द हाईलाइटेड वर्ड्स मिसिंग है सभी में शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट वॉट आर दे वो कौन कौन से वर्ड्स हैं तो यहां पर ए है यहां पर आई है और यहां पर भी ए है ये मिसिंग वर्ड्स हैं द मिसिंग लेटर्स आर मार्क बाय एन अपोस जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको हम अपोज लगा के ये है अपोस का साइन इससे मार्क करते हैं नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर्स अब फुल वर्ड्स लिखिए आई एम फीलिंग सो स्लीपी तो यहाँ पर होगा आई एम फीलिंग सो स्लीपी इट्स अ थीफ सो इट इज अ थीफ दे आर अवेक दे आर अवेक ठीक है जब आप बोलते हैं तो ये थोड़ा जल्दी भी बोलते हैं दे आर दे आर अवेक ठीक है आई एम आई एम फीलिंग स्लीपी आई एम आई एम अलग अलग पॉज देकर नहीं बोलते आई एम फीलिंग स्लिपी आई एम फीलिंग्स लिपी इट इज अथीफ इट्स अथीफ दे आर अवेक दे आर अवेक नेक्स्ट ना एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स अब कुछ वर्ड्स गिवन है उनकी ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हैं शॉर्ट में लिखे हुए हैं आपको उनकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है और फिर सेंटेंसिस बनाने हैं उनसे टू एग्जाम्पल्स है आपके लिए किए गए हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ करना है उनसे सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए ठीक है सो so, पहला वर्ड है वाट्स वाट इज ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी वाट्स शॉर्ट है ये वर्ड है एक्चुअली में एक्सपेंड करके लिखा हुआ है अपोस्ट्रॉफी को हटा के जो एक्चुअली में वर्ड है उसको लिखा हुआ है ना इसका सेंटेंस आपको बनाना है एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिखी है पहले से ही सो व्हाट्स द टाइम क्या टाइम हुआ है व्हाट्स द टाइम या फिर व्हाट इज द टाइम नेक्स्ट आइल फुल फॉर्म होती है आई विल आई एल गो टू द स्कूल टमोारो आईल गो टू द आई गो टू द मार्केट लेटर मैं बाद में मार्केट जाऊंगा या जाऊंगी लेटर शॉर्ट सेंटेंसेज ही बनाएंगे स्पेस भी कम है नेक्स्ट इज आई वुड आईड आई वुड फुल फॉर्म है देन आईड लाइक सम आइसक्रीम आईड आई वुड लाइक सम आइसक्रीम मैं कुछ आइस आइसक्रीम लेना पसंद करूँगा आइसक्रीम देन वील वी विल वील फिनिश द होमवर्क टमोरो वील फिनिश द प्रोजेक्ट टमोरो द प्रोजेक्ट टमोरो हम कल प्रोजेक्ट फिनिश कर लेंगे टमोारो दैन दैट्स दैट इज दैट्स दैट्स अ ग्रेट आइडिया ये एक अच्छा आइडिया दैट्स अ ग्रेट आइडिया वी आर वी आर वी आर वी आर प्लानिंग अ पिकनिक वी आर प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ ट्रिप नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट मंथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं डोंट डू नॉट डोंट फॉरगेट टू कॉल मी डोंट फॉर गेट टू कॉल में मुझे कॉल करना भूलना मत यूल यू विल यू विल यू विल इन्जॉय द मूवी तुम मूवी को इन्जॉय करोगे द मूवी मूवी तुम्हें अच्छी लगेगी मस्ट हैव मस्ट हैी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी वो पहले ही जा चुकी होगी शी मस्ट हैव मतलब ये हो चुका होगा मस्ट है लेफ्ट ऑलरेडी ठीक है आर ई ए डी वाई एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट्स व्हाट इज व्हाट्स द टाइम आई आई विल आई गो टू द मार्केट लेटर आईड आई वुड आईड लाइक सम आइसक्रीम वील वी विल वील फिनिश द प्रोजेक्ट दैट्स दैट इज दैट्स अ ग्रेट आइडिया वी आर वी आर वी आर प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ डोंट डू नॉट डोंट फॉल गेट टू कॉल मी यूल इंजॉय द मूवी मस्ट हैी मस्ट हैिश मस्ट शॉर्ट में लिखना है हमें वी ई शी मस्ट है लेफ्ट ऑलरेडी ओके नेक्स्ट नाउ स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्राकेट्स इन द फॉलिंग सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी हाईलाइटेड वर्ड्स आप देखोगे फिर ब्राकेट में जो वर्ड्स गिवन है वो देखेंगे आई एम फीलिंग सो स्लीपी सो एम फील आई एन जी ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आई आई के साथ हमेशा एम आता है आई एम फील हमारी वर्ब है आई एन जी हमने इसमें लगाया सो स्लीपी मैं बहुत स्लीपी फील कर रही हूँ कर रही हूँ जो काम चल रहा है उसके लिए आता है आई एन जी वॉट आर यू लुकिंग एट आर लुक इंग आई एन जी तुम क्या देख रहे हो वॉट आर यू लुकिंग एट लुकिंग एट मतलब किस तरफ देख रहे हो कहाँ देख रहे हो समबड़ी इज ट्राइंग टू गेट इन इज ट्राइंग कोई गेट इन अंदर आने की कोशिश कर रहा है दे आर सेथिंग आर से इंग वो कुछ कह रहे हैं पर हैप्स शायद दे आर टॉकिंग अबाउट देअर मनी शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं आर टॉक इंग सब में आप देखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब आई है एम आर इज आर आर फिर वर्ब है और फिर आई एन जी लगाए ना चूज द करेक्ट option. द sentences A ए E एंड ई रेफर टू द एक्शन दैट ए आई एम फीलिंग सो स्लीपी मुझे बहुत नींद आ रही है एंड ई पर are टॉकिंग अबाउट their मनी शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो एक्शंस हैं ये कब हो रहे हैं रेफर क्या करते हैं आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब बोल रहे हैं तब ये एक्शन हो रहे हैं हैपन इन द पास्ट पहले हो चुके हैं या विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर फ्यूचर में होंगे मैं स्लीपी फील कर रही हूँ वो शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जब बात कही जा रही है तभी साथ ही वो एक्शंस हो रहे हैं तो आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टाइम ऑफ स्पीकिंग पर ही ये सभी एक्शंस हो रहे हैं वर्ब्स दैट डिस्क्राइब दैट सम वन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वो वर्ब्स जो ये डिस्क्राइब करती है जैसे ट्राइंग फीलिंग लुकिंग सेइंग टॉकिंग ये बताती है कि काम तभी चल रहा है जब मैं बोल रहा हूं मुझे नींद आ रही है तो जब मैं बोल रहा हूं तभी मुझे नींद आ रही है वो अंदर आ रहा है मेरे बोलते बोलते ही वो अंदर आ रहा है तो काम भी तभी हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं तो जब ऐसा होता है इस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ठीक है उसी टाइम पर वो प्रोग्रेस कर रहा है काम हो रहा है प्रेजेंट में नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आई आई एम स्टडींग इन क्लास सिक्स मैं सिक्स क्लास में पढ़ रही हूँ जब आप ये बोल रहे हैं तब भी आप सिक्स में ही पढ़ रहे हैं स्टडिंग माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक मेरे मेरा फ्रेंड एक स्टोरी बुक रीड कर रहा है वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम हम एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं प्लेइंग अ बोर्ड गेम्स कैसे होते हैं जैसे चेस है बोर्ड के ऊपर जो खेले जाते हैं कैरम है स्नेक्स एंड लाडर है ये सब आई ब्लैंक a न्यू लैंग्वेज आई एम लर्निंग मैं सीख रही हूँ एक नई लैंग्वेज आई एम लर्निंग द टीचर्स आर सिटिंग इन staff रूम टीचर्स स्टाफ रूम में बैठे हैं आर सिटिंग माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन मेरी मदर किचन में खाना बना रही है तो जब मैं ये कहती हूँ कि मेरी मदर किचन में खाना बना रही है मतलब मेरे जब मैं बता रही हूँ उस टाइम पर वो खाना बना रही है दोनों चीजें एक्शंस और बोलने का जो टाइम है वो साथ साथ चल रहा है ठीक है तो ये सब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की एग्जाम्पल्स हैं स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ये पिक्चर्स गिवन है अब ये सेंटेंसेज आपको कंप्लीट करने हैं गोविंद एंड अनु ब्लैंक फुटबॉल गोविंद और अनु आर प्लेइंग फुटबॉल तो यहाँ पर आप लिखेंगे

फ्लावर्स पैमा फ्लावर्स को टच कर रही है क्योंकि पेमा सिंगल है इसलिए इज इस आएगा और टच वो कर रही है ये वर्ब है उसके साथ आई एन जी आएगा इज टचिंग्लावर्स अनिल्ड अनिल क्या कर रहा है स्कोर कार्ड को दिखा रहा है सो so, अनिल अनिल क्योंकि सिंगल है तो इज आएगा अनिल इज और दिखाने को क्या बोलते हैं शो करना देन लगेगा आई एन जी अनिल इज शोइंग द स्कोर कार्ड द मदर ब्लैंक अ बुक मदर क्या कर रही है बुक को पढ़ रही हैं सो द मदर मदर सिंगल है क्या आएगा इज द मदर इज और पढ़ने को क्या बोलते हैं रीड रीडिंग अ बुक द मदर इज रीडिंग अ बुक द डॉग ब्लैंक टू कैच द बॉल डॉग बॉल को कैच करने के लिए क्या कर रहा है दौड़ रहा है सो द डॉग इज रनिंग इज रनिंग टू कैच द बॉल द बर्ड्स ब्लैंक इन द स्काई बर्ड्स आसमान में क्या कर रही हैं उड़ रही हैं सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग बर्ड्स क्योंकि ज़्यादा है प्लूरल है तो आर आएगा और क्या कर रही है दे आर फ्लाई इंग आई एन जी वर्ब के साथ आई एन जी इन द स्काई ओके सो गोविंद एंड अनु गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल द डॉग इज़ रनिंग टू कैच द फुटबॉल टू कैच यस देन पेमा इज टचिंग द फ्लावर्स

I will call out softly to him. तो मैं उसे softly बुलाऊंगी Then I'll call out very loudly. फिर मैं बहुत loudly बुलाऊंगी अब ये जो words हैं पहले देख लेते हैं Words that give more information about the verb. Verb के बारे में जो extra information देते हैं जैसे how verb जो है वो कैसे हुई when कब हुई where कहाँ हुई etc. इन्हें बोलते हैं ad, adverb. जो verb में कुछ add करते हैं देखो ये सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट होता है अगर मैं बोलती आई वुड बेटर लिसन अच्छा है कि मैं सुनू लेकिन इसने बताया मैं कैसे सुनू क्लोजली ध्यान से सुनू एडवर्ब के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है ये सिर्फ वर्ब में कुछ ऐड करते हैं कि ये जो वर्ब है सुनने का काम आपको कैसे करना है ध्यान से करना है वेन ही इज इन द हाउस जब वो घर में होगा आई एल कॉल आउट टू हिम तो मैं उसे बुलाऊंगी कॉल आउट करना वर्ब है अब कॉल आउट कैसे करना है बुलाना कैसे है सॉफ्टली आराम से बुलाना है धीमी आवाज़ में बुलाना है तो इसने ऐड किया इसमें कि वर्ब कैसे आ, हुई है काम कैसे हुआ है सॉफ्टली हुआ है देन देन आई कॉल आउट वेरी उसके बाद मैं कैसे कॉल आउट करूँगी लाउडली ठीक है अब बताओ आई लिसन क्लोजली मैं क्लोजली सुनूँगी हाउ डज ही लिसन कैसे वो सुनेगी सॉरी सु, सुनेगा ये थीव कहता है तो वो क्लोजली सुनेगा ध्यान से वेन ही इज इन द हाउस जब वो घर में होगा तो मैं उसे सॉफ्टली बुलाऊंगी हाउ डज शी कॉल आउट कैसे बुलाएगी वो बुलाएगी सॉफ्टली देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली फिर मैं बहुत लाउडली बुलाऊंगी तो कैसे बुलाएगी अब लाउडली ठीक है सॉफ्टली लाउडली क्लोजली ये सब क्या ये सब एडवर्ब्स हैं और एग्जाम्पल्स आप देखेंगे नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब फ्रॉम द गि फ्रॉम द बॉक्स बिलो इसमें दो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है जिनकी आपको जरूरत नहीं है वार्मली वॉर्मली जैसे Uh, मतलब बहुत वार्म uh, मतलब वैसे गर्म होता है लेकिन अगर जैसे वार्मली हक करना uh, किसी को गले लगाना तो वो थोड़ा डिफरेंट उसमें यूज़ होगा देखेंगे किस सेंस में यूज हुआ है ग्रेसफुली स्मूदली ब्यूटिफुली फनीली क्विकली हरीडली क्विकली हरीडली एक ही टाइप में हरी मतलब भी जल्दी होता है क्विकली मतलब भी जल्दी ठीक है सेंटेंसेस देखते हैं फिर ब्लैंक्स फिल करेंगे ही सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम उसने मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व की कैसे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा स्मूथली नहीं ब्यूटिफुली नहीं हरीडली नहीं क्विकली जल्दी से उसने क्विकली मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व की सो ही सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा क्विकली देन द कार मूड ब्लैंक अलोंग द हाई वे कार मूव कर रही थी अलोंग द हाई वे हाईवे के अलोंग कैसे मूव करेगी कार द कार मूड अलोंग द हाई वे हाईवे के अलोंग मूव कर रही थी स्मूदली बहुत आराम से स्मूदली देन द म्यूज़िशियन प्लेड द गिटार म्यूजिशियंस गिटार प्ले कर रहे थे गिटार उन्होंने प्ले किया कैसे दे प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली बहुत ब्यूटिफुली ब्यूटिफुल Beautiful तरीके से बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटिफुली शोभा डांसड शोभा ने कैसे डांस किया शोभा डांसड ब्यूटिफुली हो चुका है क्विकली हरेडली नहीं आएगा स्मोलि नफनीली शोभा डांस ग्रेसफुली बहुत ग्रेस के साथ उसने डांस किया

इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एक बार की बात है एक छोटे जंगल में एनिमल्स लिव्ड एनिमल्स रहते थे कैसे पीसफुली शांति से पीसफुली सभी एनिमल्स रहते थे द वाइज ओल्ड टोटोइ मूव्ड जो वाइज बुद्धिमान बूढ़ा टॉटॉइज था वो मूव करता था टोटॉइज कैसे मूव करते हैं स्लोली धीरे धीरे वो स्लोली मूव करता था बट ऑलवेज वन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट लेकिन हमेशा रेस जीत जाता था जो घमंडी रैबिट था Uh, खरगोश था उसके अगेंस्ट द दर्कड ब्लैंक एंड्स कैसे वर्क करती थी टायरलेसली बिना थके टायरलेसली गैदरिंग फूड फॉर द विंटर विंटर के लिए फूड वो इकट्ठा करती थी द काइंड हार्टेड लायन बहुत दिल का जो अच्छा था काइंड हार्टेड था दयालु था लायन रूल्ड द जंगल वो जंगल को रूल करता था कैसे रूल्ड द जंगल स्वीटली स्वीटली ऑनेस्टली भी हो सकता है वैसे ईमानदारी से स्वीटली बेटर रहेगा स्वीटली वो बहुत प्यार से जंगल को रूल करता था गिविंग एवरी वन अ चांस टू स्पीक सबको बोलने का चांस देता था द बर्ड्स सॉन्ग बर्ड्स गाती थी ब्लैंक बर्ड्स uh, गाएंगी नो no, स्वीटली यहाँ पर ज़्यादा फिट रहेगा द बर्ड्स सॉन्ग स्वीटली बर्ड स्वीटली गाती थी यहाँ पर ऑनेस्टली आएगा क्योंकि सबको फेयर चांस दे रहा है तो मतलब वो ऑनेस्ट honest है ऑनेस्टली

फाइनली उन्होंने अपना चार्टर बंद किया ये साइन आपको देखना है जो कॉमन है सभी में वॉट शुड वी डू हम क्या करें तो ये साइन है वॉट शुड वी नेम आर चाइल्ड हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें सेंटेंस वन एक्सप्रेसेज अ फीलिंग ऑफ ये जो सेंटेंस वन है ओ हम्म वॉट अ हार्ड डेट हैज बीन आज का दिन कितना मुश्किल था ये कौन सी फीलिंग है टायर्डनेस थके हुए होने की फीलिंग है जॉय खुश होने की फीलिंग है ये फीलिंग है टायर्डनेस की सेंटेंस टू आ एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चार्टर फाइनली उन्होंने अपनी जो चार्टर थी बकवास थी वो बंद की ये वंडर हैरान होने वाली फीलिंग है रिलीफ रिलीफ मतलब शांति मिली अब उसको तो ये रिलीफ वाली फीलिंग है क्योंकि बहुत देर से फालतू बात कर रहे थे अब फाइनली वो बंद हो गई सेंटेंस थ्री और फोर में क्या पूछे गए हैं आंसर्स या क्वेश्चन इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम क्या करें और हम अपने जो हमारा चाइल्ड होगा उसका नाम क्या रखेंगे ठीक है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं नीचे गिवन है आपको सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रांग फीलिंग वो सेंटेंसेज जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जैसे यहाँ पर ओ आज का दिन बहुत ही क्या था बहुत हार्ड डे था तो ये टायर्डनेस एक एक्सट्रीम फीलिंग है फाइनली उन्होंने अपनी चार्टर बंद की तो रिलीफ की फीलिंग है तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज और ये आ, यहाँ पर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और सेंटेंसेस जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और उनके लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क तो आप सभी जानते होंगे तो यहाँ पर इन्हें पंक्चुएट आपको करना है कि वो एक्सक्लेमेटरी है बताना है कि वो एक्सक्लेमेटरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं वाह वॉट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज वाह वो कितना इंटेलिजेंट आदमी है तो यहाँ पर एक, एक तरीके से हैरान आप हुए हैं कि एक स्ट्रांग फीलिंग है तो यहाँ पर आएगा पंक्चुएट भी आपको करना यहाँ पर आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है देन नेक्स्ट ओ हाउ बिग द होल इज ओ ये कितना बड़ा होल है आ, होल है तो ये भी एक सरप्राइज हैरानी हुई आपको बहुत बड़ा होल होगा कहीं पर दीवार में मान लीजिए सो तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा एंड में और यहाँ पर ओ oh, के बाद आएगा कॉमा मेटरी नेक्स्ट डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स क्या तुम्हें कॉमिक्स बुक पढ़ना पसंद है तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क तो ये होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वॉट इज योर फेवरेट स्टोरी तुम्हारी फेवरेट स्टोरी कौन सी है ये भी इंटेरोगेटिव है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे ओके नेक्स्ट नाउ लेट अस लिसन लिसनिंग एक्टिविटी है यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग ए अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड आपके नेबरहुड में पड़ोस में एक सिक्योरिटी गार्ड है जो अनाउंसमेंट कर रहा है जब आप सुनेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वन वर्ड दैट यू हेयर जो वर्ड्स आपने सुने एक ही वर्ड में आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं अच्छा ठीक है इसके लिए आपको रेफर टू पेज नंबर थर्टी एट वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट गिवन है इसमें आपको करना क्या है टीचर रीड करेगी ट्रांसक्रिप्ट को और आप साथ number, ही साथ ब्लैंक्स को फिल करेंगे ठीक है थर्टी एट पेज नंबर लास्ट ही होगी ये वाली सो रामा टू द रेस्क्यू से है ये जो सिक्योरिटी uh, गार्ड है वो कहता है अटेंशन ऑल सभी ध्यान दें देर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आर लोकेलिटी हमारी लोकेलिटी में कुछ रिपोर्ट्स आई है रॉबरी की चोरी होने की प्लीज़ बी अलर्ट प्लीज़ सब अलर्ट रहे एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली और जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको ध्यान से सुने क्या इंस्ट्रक्शंस हैं लॉक ऑल डोर्स सभी दरवाजों को लॉक कर दें बंद कर दें और विंडोज़ को एट नाइट रात में एंड ऑल्सो वेन यू लीव द हाउस और तब भी जब आप घर छोड़ जा रहे हैं चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट इमीडिएटली बच्चों अगर तुम्हें कोई भी सस्पीशियस सस्पिशियस मतलब तुम्हें शक होता है अगर किसी पर कोई ऐसी एक्टिविटी है तो इमीडिएटली तुम एडल्ट को जो घर के बड़े हैं उन्हें इन्फॉर्म करोगे करना है डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स किसी भी स्ट्रेंजर्स से अजनबियों से बात ना करें और गेट एनी थिंग फ्रॉम देम और उनसे कुछ लेना रिपोर्ट एनी थिंग अनयूजअल कुछ भी अगर तुम्हें अनयूजअल लगे अलग लगे उसको रिपोर्ट करें ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखें दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है डायलो जीरो इन केस ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो वन जीरो करना है ठीक है अब द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट ब्लैंक हैज बीन हैपनिंग इन द एरिया सिक्योरिटी गार्ड ने क्या अनाउंस किया कि एरिया में क्या हो रही है रॉबरी हो रही है रॉबरी हैज बीन हैपनिंग इन दैट एरिया उसने एडवाइस किया एवरी टू स्टे सेफ सब सेफ रहे एंड किड्स टू टेल द ब्लैंक और बच्चे किसको कहे एज सुन एज दे फाइंड एनी थिंग डिफरेंट कुछ भी उन्हें अलग लगे तो वो किन को बोलेंगे एडल्ट्स को बोलेंगे बड़े जो हैं घर में उन्हें बोलेंगे दे शुड नॉट फॉरगेट दैट उन्हें ये नहीं भूलना है दैट ब्लैंक इज़ द मेन थिंग मेन थिंग क्या है सेफ्टी इज़ द मेन थिंग एंड आज देम टू कॉल टू कॉल वन ज़ीरो ज़ीरो वेन दे नीड इमीडिएट हेल्प अगर चाहिए तो वन हंड्रेड नंबर पर कॉल करें ओके okay. लेटर स्पीक speak. अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है लिसनिंग की एक्टिविटी थी अब आपको बोलना है लिसन टू द योर टीचर प्रोंस द कॉन्ट्रेक्शन ये कॉन्ट्रेक्शंस हैं टीचर प्रोनाउंस करेगी एंड रिपीट ऑल योर रिपीट आफ्टर योर टीचर उनकी प्रोनाउंसिएशन के बाद आप रिपीट करेंगे खुद से बोलेंगे वी आर वी यूज कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म हम कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं और एक्सपैंड फॉर्म यूज करते हैं वाइल राइटिंग लिखते टाइम आयल आयल आई विल के शॉर्ट फॉर्म में आयल जब सेंटेंस हम बोलते हैं क्विकली आई विल गो टू द मार्केट टुमारो आई विल गो टू द मार्केट बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बोल देते हैं आई गो टू द मार्केट ठीक है आई इट्स इट इज फुल फॉर्म है इट्स डोंट आई एम आई वुड आईड आई वुड की शॉर्ट फॉर्म है ही इज दैट्स वील देयर देयर की तरह बोलता है थोड़ा सा दे आर का साउंड आता है इसमें देयर यू आर वी आर उ स्पीक द कॉन्ट्रेक्शन क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स कांट वॉन्ट आईव वु कैन नॉट वुड नॉट आई हैव वु नॉट शुड नॉट नॉट सॉरी ये वॉन्ट विल नॉट की फुल शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है डिड नॉट ठीक है दो दो बच्चे साथ में डिस्कस करेंगे वाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देम सेल्व सेफ लोगों के लिए खुद को और घरों को सेफ रखना क्यों जरूरी है सही रीजन पर टिक करिए टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी आप इंजरी से चोट से दूर रहे इसलिए खुद को और घर को सेफ रखना जरूरी है बिल्कुल सही है टू कीप फैमिली मेंबर्स और पेट्स आपके फैमिली मेंबर्स पेट्स सब सेफ रहे इसलिए भी सेफ रखना जरूरी है ठीक है टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग एक्सीडेंट्स ना हो उन्हें होने से रोकने के लिए भी सेफ्टी जरूरी है टू मेक श्योर दे विजिट डॉक्टर रेगुलरली हमें रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना पड़े इसके लिए हम घर को सेफ रखें ये नहीं है रॉबरी को स्टॉप करने के लिए है टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए घर को सेफ रखना है नहीं टू सेव मनी पैसे बचाने के लिए घर को खुद को सेफ रखना है हो सकता है कहीं कही ना कहीं अगर आप ख़ुद को सेफ रखेंगे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तो पैसे बचेंगे ही बट पैसे बचाने इसलिए हम सेफ़ रखें खुद को ये सही नहीं है ये रीजनस हैं जिन पर हमने टिक किया है नाउ लिसन यू नाउ यूज़ द गि हिंड्स टू शेयर योर रीजन्स इन कम्प्लीट सेंटेंसेज विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स अब जो रीजन्स हैं उनको आप कंप्लीट सेंटेंसेस में बोलेंगे और अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट ये आपने टिक तो लगा लिए अब क्वेश्चन था कि खुद को और हाउस को सेफ रखना क्यों इम्पोर्टेंट है तो आप कहेंगे आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स इट प्रिवेंट इंजरीज क्योंकि ये इंजरीज़ को प्रीवेंट करता है एंड कीप्स एवरी वन सेफ और सबको सेफ रखता है बिकॉज इट प्रिवेंट सेंटेंस आप यहीं से ही लेंगे लेकिन अब आप आपको फुल सेंटेंसेज में बोलना है इट प्रिवेंट्स इंजरीज इंजरीज को ये रोकता है और सबको सेफ रखता है एंड कीप्स क्या सेफ रखता है घर को और ख़ुद को सेफ रखना एवरी वन पेट्स को फैमिली मेम्बर्स को सभी को एवरी वन सेफ नेक्स्ट आई फील इट्स नेसेसरी मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है नेसेसरी एज़ एज इट स्टॉप्स एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग क्योंकि ये एक्सीडेंट्स होने से बचाता है इसलिए ज़रूरी है द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज़ रीज़न की हमें सेफ्टी uh, को ध्यान में रखना चाहिए एज द रीज़न इज टू स्टॉप रॉबरी ही लिख देंगे द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज़ टू स्टॉप रॉबरी ठीक है इसमें ये लिख देंगे वाला sentence. So, ये वाला सेंटेंस सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंजरी से बचाता है इट कीप्स अ सेफ फ्रॉम इंजरी एंड कीप्स फैमिली मेंबर्स एंड पेट सेफ चलो ये भी छोड़ो यही लिखते हैं इट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज बिकॉज इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम इंजरी ये फर्स्ट में आएगा आई फील इट्स नेसेसरी एज मुझे लगता है कि नेसेसरी है बिकॉज एज इट कीप्स फैमिली मेंबर्स एंड पेट सेफ द रीजन वी नीड टू लुक टू लुक एट सेफ्टी इज रीजन की हमें सेफ्टी को ध्यान रखना है इज टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग एंड टू स्टॉप रॉबरी सीधा यह दो सेंटेंसेस ठीक है नेक्स्ट नाउ यूज द गिवन हिंड टू शेयर थ्री आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड देम सेल्व सेफ तीन आइडियाज़ बतानी हैं जिससे कि लोग ख़ुद को और उनके घरों को सेफ रख सकते हैं शेयर उनको फिर अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करेंगे सो so, कैसे आप घरों को और ख़ुद को सेफ रख सकते हैं आई थिंक दे शुड मुझे लगता है कि दे शुड इंस्टॉल इंस्टॉल सी सी टी वी कैमराज सेफ्टी सिस्टम अलार्म्स उनको इंस्टॉल करने चाहिए घर को और ख़ुद को सेफ करने के लिए इंस्टॉल सिक्योरिटी सिस्टम सिस्टम सिस्टम्स एंड सी सी टी वी ठीक है आई सपोज दे कुड़ मुझे लगता है कि दे कुड़ कीप डोर्स एंड विंडोज लॉक्ड एंड विंडोज लॉक्ड एट नाइट और वाइल गोइंग आउट दे मस्ट दे मस्ट क्या उन्हें जरूर करना है दे मस्ट एजुकेट फैमिली मेंबर्स फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना चाहिए अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैमिली मेंबर्स आप कोई और भी आंसर लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई और आइडिया है खुद को घर को सेव करने के लिए पेट डॉग पाल लेना चाहिए वो भी लिख सकते हैं आप एजुकेट फैमिली मेंबर्स अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ओके ठीक है एक बार फिर से तीन ही लिखने थे सेंटेंसेस देख लेते हैं आई थिंक दे शुड इंस्टॉल सिक्योरिटी सिस्टम एंड सीसीटीवी I suppose they could keep doors and windows uh, locked. They must educate family members about safety and security. They should. How about it might be better to? इन से भी sentences start कर सकते हैं Let us write the next day. अब लिखना है अगले दिन क्या हुआ The next day the neighbors asked the man in the story what had happened. जो लोग थे पड़ोसी थे उन्होंने पूछा उस आदमी से कि क्या हुआ ये हम रामा टू तो द रेस्क्यू जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसके बारे में बात कर रहे हैं एज द मैन टेल द नेबर्स वॉट हेड हैपन इन योर ओन वर्ड्स आपको ये बताना है कि आदमी क्या बताएगा सभी को क्या हुआ रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग और जो आप लिखेंगे कहानी कि जैसे आदमी की वर्ड्स में लिखनी है कि माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो स्लीप हम सोने जा रहे थे लास्ट नाइट वेन वी हर्ड सम वन इज़ ट्राइंग टू गेट इन टू द हाउस जब हमने सुना कोई अंदर आ रहा है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको नोट करने हैं वेन कब हुआ ये इवेंट जैसे लास्ट नाइट हुआ वेयर कहाँ हुआ हमारे घर पर हुआ वॉट क्या हुआ चोर अंदर आने की कोशिश कर रहा था How कैसे उसने दीवार में छेद किया था वाई क्यों? चोरी करने के लिए यू में बिगिन दिस वे अब आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं माई वाइफ वही की अबाउट स्लीप वेन वी हर्ड सम वन जब हमने देखा दैट सम वन ऊपर लिख लेते हैं इज सम वन इज़ ट्राइंग टू गेट माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो स्लीप लास्ट नाइट वेन वी हर्ड सम वन इज ट्राइंग जब हमने सुना कि कोई कोशिश कर रहा है is ट्राइंग टू गेट इन टू आर हाउस हमारे घर में के अंदर आने की आर हाउस वी वर वेरी वरीड हम बहुत ही चिंतित थे वेरी वरीड एज इट वॉज़ अ थीफ इट वॉज अ थीफ सो वी डिसाइडेड टू एक्ट स्मार्टली वी डिसाइडेड तो हमने डिसाइड किया कि हम स्मार्टली क्लेवरली uh, काम करेंगे टू एक्ट स्मार्टली क्लेवरली क्लेवरली आई सजेस्टेड मैंने सजेस्ट किया क्योंकि प्लान मैन का ही था सजेस्टेड माय वाइफ मैंने सजेस्ट किया अपनी वाइफ को दैट वी शुड कॉल आर फ्यूचर चाइल्ड्स नेम कॉल आर कॉल आउट आर फ्यूचर

यू सी समन गेटिंग हर्ट आपने देखा कि किसी को चोट लगी है तो आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे यूल कॉल एम्बुलेंस देन यू सी अ वडेड एनिमल आपने कोई एनिमल देखा जो घायल है तो आप किसी लोकल एनिमल रेस्क्यू को कॉल करेंगे कॉल या फिर किसी वेट को कॉल करेंगे कॉल अ वेटेरनेरियन Now यू सी someone suspicious. सस्पिशियस आप देखते हैं कोई सस्पिशियस काम हो रहा है कोई शक आपको होता है किसी पर तो आप पुलिस को कॉल करेंगे कॉल पुलिस यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड आपको कोई बच्चा मिला जो खो गया था तो पुलिस को ही आप कॉल करेंगे कॉल पुलिस या फिर जो चाइल्ड uh, प्रोटेक्शन वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पुलिस को ही कॉल करना है देन यू गेट लॉस्ट आप अगर खो गए हैं कहीं तो आप किसी फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे किसी रिलेटिव को कॉल फ्रेंड और फैमिली मेंबर मेंबर, ओके नेक्स्ट नाउ फाइंड द राइट पाथ फॉर द कोतवाल टू कैच द थीफ कोतवाल को थीफ को कैच करना है आप सही पाथ बताइए कौन सा रास्ता तो रास्ता यहीं से ही शुरू होगा ये तो आगे बंद हो जाएगा नीचे ही हमें आना होगा ये रास्ता यहाँ से आए ये नीचे जाएगा ये भी क्लोज्ड है एक सेकेंड यहां से यहां आते हैं देन ये ये जाएगा यस yes, यही है ये रास्ता है थीव तक पहुंचने का ये ओके नेक्स्ट दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है होपफुली अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग